गोरे मेनू बाहर ले जा गोरे मेनू लाहौर लाहौर अमेजिंग प्लेस लोग तो यार कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैरियर से होंगे। आज मैं आया था अपने कजन के साथ लाहौर में, तो लाहौर में मैंने भाई से पूछा कि सबसे खूबसूरत और दिलकश जगह कौन सी है, तो भाई ने बताया दिल्ली गेट। अच्छा दिल्ली गेट, तो भाई मुझे लेके आ गए हैं दिल्ली गेट में, हम आपको विजिट करवाएंगे। और मस्जिद का कौन क्या नाम? वजीर खां मस्जिद में भी आपको लेके जाएंगे। और हमारे साथ कौन मौजूद है आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। ये नुमान भाई हैं, आपको पता होगा, आपने पिछले व्लॉग में भी इनको देखा था। Boring. ये हमारे बहुत ही प्यारे कजन है और मेरा मसेर भी है। हाँ मसेर, किदा तू सुना? हाँ बदा मज्जा नु पट्ठे पाया। ये हमारा बहुत ही प्यारा भाई जेबी भाई। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सेहत भी है, ठीक है आपकी? ये भाई भी हमें लाहौर का विजिट करवाएंगे, कोई जगह नहीं छोड़नी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जा रहे हैं दिल्ली गेट के अंदर। दिल्ली गेट में एंटर होते ही ये जो सबसे पुरानी दुकान है, कहा जाता है कि तकरीबन 150 साल पुरानी दुकान है, लेकिन यहाँ पे फोटो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो चले आगे चलते हैं और आपको और प्लेसेस दिखाते हैं। अरे भैया ठीक है, काम का ठीक है? क्या बढ़िया था गुरु। मुल्क के हालात जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और लोग बड़े ही परेशान हैं, कारोबार जो है ना वो चल नहीं रहे। भाई इसी तरफ जाना है ना? जी भाई इसी तरफ जाएंगे हम, आपको आगे से विजिट करवाएंगे। ये वजीर खां मस्जिद आगे और वजीर खां मस्जिद आई है, यहाँ का दिल्ली गेट का बाजार है, आगे जाएंगे तो आगे से। ओ भाई मेरी बात, वजीर खां मस्जिद तो हमें नजर नहीं आ रही भाई, आगे आएगी 10 मिनट वेट करो। यहाँ से दिल्ली गेट का ये बाजार है, घर से निकले तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक वजीर खां मस्जिद नहीं आई। दिल्ली गेट तो हम क्रॉस कर रहे हैं लेकिन वजीर खां मस्जिद नजर नहीं। क्या बोला तूने पहले? क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। वजीर खां मस्जिद आगे आएगी लेकिन अभी ये हम घूम रहे हैं दिल्ली गेट के जो बाजार है ना, लाहौर का मशहूर तरीन। अच्छा भाई अभी जो मस्जिद है ना वो काफी दूर है, अभी हमें बाजार का विजिट करवा रहे हैं भाई, ऐसा ही है जी भाई। ये लाहौर का मशहूर तरीन बाजार है दिल्ली गेट। आगे आप जाएंगे तो आजम प्लाज मार्केट भी है, जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है, वो यहाँ पे आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर। आजम क्लॉथ मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे होलसेल रेट पे सामान वगैरह भी आपको मिलेगा, परचून रेट लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट आजम मार्केट। आप देख रहे हैं ये कौन सी मार्केट? आजम मार्केट लाहौर की जो है ना सबसे बड़ी मार्केट भी आपको दिखाएंगे, आजम मार्केट। ये भाई जो है ना वीडियो में नहीं आ रही, क्या वजह है? मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ। पान खा रहे हो घर में, पता चल जाएगी? कोई बात नहीं, पता हमसे ना हरामी है पूरा। Thank you.
यार दिल्ली गेट यहाँ पे तो खत्म हो चुका है, अब हमें कहाँ लेके जा रहे हो? ये देखिए दूसरा गेट आ गया जिससे आगे वजीर खां मस्जिद स्टार्ट हो रही है, और ये देखेंगे आपको दूसरा गेट नजर आएगा। अच्छा ये दूसरा गेट है, किस दौर का जमाने का ये गेट है? सिख यहाँ पे रहते या दिल्ली गेट से आप आगे यार आपको नजर ही आ रहा होगा वीडियो में कि बहुत ज्यादा पुराना है, और इससे आगे जो है ना वो वजीर खां मस्जिद शुरू हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं वजीर खां की मस्जिद के मीनार आपको नजर आ रहे होंगे। यार ये तो मस्जिद भी काफी पुरानी लगती है ना, बहुत पुरानी मस्जिद है भैया, बहुत पुरानी मस्जिद है। ये आपको मीनार नजर आ रहे हैं कि वजीर खां मस्जिद है, लाहौर की बहुत पुरानी मस्जिद है। तो भाई मुझे तकरीबन सुबह 6 बजे के ना ये लाड़े लगा रहे थे कि यार आपको वजीर खां मस्जिद दिखानी, वजीर खां मस्जिद दिखानी। तो यार ये देखें 8 बजे से सुता पे उठे हैं भाई। वजीर खां मस्जिद का गेट आ गया जो कि आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखें ना लोग यहाँ पे विजिट करने रहते हैं अपने चाइनीज़। तो ये देखें गाइस ये है वजीर खां मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, और सफाई का जो है ना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया गया है। अभी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, अभी वो मुझे लगता है कोई काम वगैरह हो रहा है ना ऊपर वो जी, जी वो जो बहुत ज्यादा पुराने थे ना जो गिरना शुरू हो गए थे उनकी मरम्मत जारी है। ये अब मस्जिद का गेट है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ लोग अंदर जा रहे हैं कुछ लोग ये विजिट। अच्छा भाई मैंने ना इस जगह पे नोट किया है कि इंडियन लोग जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे ही है भाई? जी भाई क्या वजह आते हैं? क्योंकि ये सिखों का दौर का ये मस्जिद भी है, ये सारा दिल्ली गेट सिखों का, ये देखें ये आप पीछे भी बिल्डिंग भी दिखा सकते हैं, काफ़ी पुरानी है, सिखों के दौर की है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इंडियन लोगों की सिखों की रिहाइश थी वो छोड़ के चले गए हुए हैं, अब ये मार्केट एक बन गई हुई है तो वो हर तरह। अच्छा तो यार क्या सिख वगैरह अभी भी यहाँ पे आते हैं? जी जी सिख हर साल आते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा पीछे है बादशाह मस्जिद वहाँ पे उनका एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, ठीक है वहाँ पे आते रहते हैं। गोरे मन गया पाकिस्तानी हो तुसी ना मन्ने हो लाहौर लाहौर अमेजिंग प्लेस। तो फाइनली गाइस अब हम आपको लेके जाने वाले हैं वजीर खां मस्जिद के अंदर। भाई ये कैप उतार दो भाई, पता नहीं भाई लुक भी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, लेकिन भैया अपने आपको समझ रहे थे कि भाई मैंने शायद कटिंग करवाई है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन और जगह पे कहीं जाना है अभी हम मीनारे पाकिस्तान जाएंगे, शाही किला बादशाह मस्जिद खास खास चीजें दिखाएंगे। तो यार अब हम आपको वजीर खां मस्जिद का जो है ना वो गेट दिखाने वाले हैं भाई, मैं कल्ले ने दिखाना वहां। फाइनली हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा स्पीकिंग करना अलाउ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे शूज उतारने हैं। तो ये हम एंटर हो चुके हैं मस्जिद के अंदर। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी और ये दोबारा तमीर किया जा रहा है अभी, इसको ये चेक करें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी, और इसके अंदर एक दरबार है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर भी एक दरबार है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें सब लोग जो है ना वो जा रहे हैं, सफ़ें बिछाई हुई हैं उसके ऊपर से, ये ऐसे मेरे कोई शर्मिंदा किस्म के कजन्स है, ये अलहदा अलहदा ही तुरंत या कोई इधर नु जा रहा है कोई उधर नहीं जा रहा, सबको मिलेगा लाइन में आओ। यू सीरियस लंगर मंडन है। तो यार सारी मस्जिद आपको विजिट करवाएंगे, टेंट मेरी मैंने पता था अजीब लगती पई है लेकिन यार एडजस्ट करो। अब हम आपको दरबार के अंदर लेके जाने के लिए
बहुत ही नफासत के साथ जो है इसको ना तैयार किया गया, बहुत ही यूनिक ग्रीस जो है ना इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर जो है ना जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ाई जाती है और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो है ना वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम आए ना तो इंशाल्लाह यहाँ पे जुम्मा पढ़ के भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा लोग जो है ना वो जुम्मे के दिन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो चल रहा है, तो जब फिर तैयार हो जाएगी फिर भी आपको एक और भी लोग जो है ना वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जिस दरबार में मैं आपको लेके गया था वो इसी मस्जिद के तहखाने में मौजूद है, वो ये सामने है। यार तू आवाज आ रही है, मेनू ये दस की आवाज आ रही है। कुछ भी नहीं यार, वैसे ही मैं तानू वेखना बच्चियां वाली साइड ते तेन ले जांगे, तू सबर ते कर, तू काला काला पया ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 भाई, तुसी की करन दे पहले मेनू ये दस। तो भाई अब फोटो ले, तो अब भाई अब हम लेने लगे हैं फोटोज, वो भी कोशिश करूंगा आपको व्लॉग में ही दिखा दूं। तो अब हम आपको फ्री का जो है ना लंगर खिला के दिखाएंगे। भाई आपको फोटो लेते हैं आपकी, एक मिनट है। अब हम आपको जो है ना फ्री का लंगर फोटो मेनु ले लें देख। अब जो है ना आपको हम फ्री का लंगर खा के दिखाएंगे। ये भाई साहब चावल खा रहे हैं, भाई जान हमने एक बुड़की लगानी है जस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा हरामी हो बेटा। यार जिन्ना मर्जी अपना खा लो, जिन्नी देर मंग के नहीं ना खाना स्वाद ही नहीं आता कसम। तू समझा? नहीं तू नहीं समझ। हैकर हैकर या जमा, लो انتبهتوا لحركاته هكر। झूठ बोल रहे, सीढ़ियां चढ़ के दिल्ली के गेट जाना है। तो दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा जो है ना यहाँ पे मजा आया है, और नुमान भाई के साथ जो है ना व्लॉगिंग का यार बहुत ही मजा आता है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? सबको यही कहना चाहता हूँ, आपके प्यार में देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा सब भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले प्रोग्राम आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो है भाई है ना जेबी भाई, इसका बहुत ही ज्यादा तावन था। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस जगह पे तावन था, लेकिन बहुत ही ज्यादा तो फाइनली गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।